मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज गाइस मैं आपको एक वीडियो का शूट लेके आया हूँ, अपने जो मालिक का सैंडी किचन है वहाँ पे लेके जा रहा हूँ। आपको मिलाता हूँ अपने फ्रेंडों के साथ, तो पूछते हैं उनको कि मतलब कैसा काम चल रहा है आजकल, ये कैसा नहीं चल रहा है, कब तक काम चलेगा और नहीं चल पाएगा, पूछते हैं उनको, चलते हैं उनके पास। मैं आज पहुँच गया हूँ अपने भाई के रेस्टोरेंट में और मिलाते हैं आपको। अभी मैं फाइनली पहुंच गया हूँ आज आपके अपने मालिक के रेस्टोरेंट में। तो ये अपने बलवान भाई बैठे हुए हैं और साथ में अपने ये बब्बू भाई हैं। हेलो। और ये हमारे खास बंदे हैं, बहुत ही अच्छे बंदे हैं। तो पूछते हैं इनको कि मतलब कैसा काम चल रहा है, कैसा नहीं। तो बब्बू भाई कैसा काम चल रहा है होटल में अभी? तो ऐसा ही है, ओके ओके। तो मतलब कब तक चल पड़ेगा ये? बारिश लगी है अगले मंथ दो अक्टूबर के बाद। तो भाई सुना कल यहाँ पे कोई बंदे वगैरह फंस गए थे, क्या सीन था वहाँ पे? वहाँ पर बंदे के तो भाई से पूछते हैं, भाई जी क्या सीन है, क्या मोल है यहाँ का, कब तक चलेगा आप प्रॉपर ढंग से? बढ़िया मोल है ना, कल यहाँ पे बारिश हुई थी, पानी एकदम से आ गया था। तो मतलब ये जो बंदे बाहर के आते हैं इनको मतलब क्या गाइड करेगी, मतलब कैसे यहाँ रहना है, कैसे नहीं, बारिश में बाहर बाहर खा के बाहर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए ना, बारिश में रिस्क होते हैं, ऊपर रास्ते में पत्थर वगैरह गिरते हैं। तो गाइस आपने सुना होगा भाई वगैरह बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि मतलब जो भी आते हैं यहाँ पे गेस्ट वगैरह आते हैं तो वाटरफॉल में, अभी जैसे मौसम चल रहा है बारिश का, मैं आपको और साइड का व्यू बताऊंगा आज की कैसे बारिश होती है। जो बंदे मतलब सेल्फी वगैरह लेते हैं, मतलब जो नाला है उसके पार चले जाते हैं, फिर जैसे पानी एकदम बढ़ जाता है तो उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो कल भी उन बंदों ने शिमला फ़ोन किया तो रेस्क्यू वगैरह करके उनको बाहर निकाला गया है। तो गाइस मैं आपको जो आज का जो व्यू है, जो दृश्य है, मैं बाहर से आपको बैक कैमरे से बताता हूँ कि कैसे बारिश लगी है और कैसे यहाँ पे मतलब सेफ्टी में रहना है आपको। A few moments later. फाइनली जो बारिश लगी हुई है कुछ इस प्रकार से लगी हुई है, आप देख सकते हो ये मोल है यहाँ का बारिश का, ये वाटरफॉल का जो मेन उससे देख सकते हो कैसा दृश्य हो गया है। आप देख सकते हो जो वाटरफॉल का जो दृश्य कुछ इस प्रकार से दिखाई दे सकता है, दे रहा है और पूरा फोगी हो पड़ा है ये सिस्टम। आप भी आए विजिट करें जरूर सैंडी किचन में। और ये हमारा बैठने का जो सीटिंग प्लान है इस तरह से है यहाँ, और ये अपने भाई सीनियर बंदे हैं यहाँ के जो मैनेजर हैं हमारे, यही करते हैं, करता धरता जो भी बिल वगैरह निकालते हैं ये निकालेंगे। तो मेरे रेफरेंस पे आना जरूर, आपको डिस्काउंट मिला, क्या बोलते भाई? हाँ भैया मेरे का भाई सैंडी किचन थर्ड फ्लोर पे रहेगा, जो बैठने का सीटिंग प्लान है कुछ इस तरह से है, जो हमारे चिलोट होते हैं जैसे गोवा वगैरह जाते हो आप, तो इस प्रकार से आपको जो बैठने का सीटिंग प्लान होता है इस तरह होता है। तो भाई देख सकते हो मतलब इतना अल्टीमेट चीज़ें बनाई हुई है भाई ने, काफ़ी अच्छी। तो आपको जो मैं आज व्यू बताने जा रहा हूँ जो बैक कैमरे से बागसुनाग से जो वाटरफॉल है उसका दृश्य बताता हूँ आज मैं, जो दृश्य की वीडियो शूट करके बताऊँगा ये इस प्रकार से कुछ देख सकते हो। अभी तो बारिश लगी हुई है, तो इस वीडियो में आपको ये गाइड किया था कि जैसे आप बाहर से आते हो तो ये जो नाला चला हुआ है ये वाटरफॉल का, तो गाइस जो बंदे पार चले जाते हैं इसके तो उनको पता नहीं चलता कि जैसे बारिश लगी होगी तो पानी एकदम बढ़ जाता है। तो कल भी 22% जो थे मतलब कि रेस्क्यू करके निकाले थे बाहर। तो प्लीज़ जो भी बाहर से बंदे आ रहे हैं उनको यही गाइड किया जाता है कि मतलब अगर बारिश हो तो कहीं रेस्टोरेंट रूम में रुक जाएँ, यहाँ वाटरफॉल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाइस ये सीटिंग प्लान देख सकते हो आप, कितना मस्त बनाया हुआ है भाई ने, अल्टीमेट है भाई। आएँ जरूर आएँ विज़िट करें, और मेरे रेफरेंस पे आएंगे आप तो आपको और मैं डिस्काउंट दिलाऊंगा थोड़ा यहाँ पे। गाइस देख सकते हो अल्टीमेट बाबा। भाई मेरे साथ मिलने आए थे, ये मेरा पड़ोसी है, भी मेरा पड़ोसी है, तो गाइस आज मिले मेरे साथ बहुत अच्छा लगा। इनको घुमाने लेके जा रहे थे पर क्या करें यार, बारिश इतनी ज़्यादा लग पड़ी है, तो अभी जो टूर रहेगा वो डिसमिस ही लग रहा है मुझे, देखते हैं क्या बनता है, बारिश रुकती है तो जाते हैं फिर वाटरफॉल वगैरह।